हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सीएससी एजुकेशन रिवॉल्यूशन में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स क्विज 9 जून आज हम लेके आए हैं। चलिए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है, हाल ही में जावेद अख्तर को गहन सोच, धर्म निरपेक्षता एवं भारतीय मूल्यों के विकास में योगदान हेतु किस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड, बी संगीत कला निधि अवार्ड, सी संगीत नाटक अकादमी अवार्ड और डी दादा साहेब फाल्के अवार्ड। सही आंसर है ए रिचर्ड्स डॉकिंस अवार्ड। जावेद अख्तर इस अवार्ड को पाने वाले पहले भारतीय हैं और ये किन के नाम पर दिया जाता है? रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर, जो ब्रिटिश के विकासवादी जीव विज्ञानी हैं। और ये अवार्ड 2003 से दिया जा रहा है। और इसका कारण क्या है इनको मिलने का? सार्वजनिक रूप से जो तर्कसंगत ये अपने पक्ष रखते हैं धर्म निरपेक्षता के मूल्यों पर और साइंटिफिक ट्रुथ को बनाए रखने के लिए, इसलिए यह पुरस्कार दिया गया है इनको। नेक्स्ट सवाल है, किस राज्य सरकार ने कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत गान को 110 साल बाद राज्य गीत की मान्यता दी है? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, उड़ीसा और झारखंड। 110 साल, चलिए देखते हैं। इसका सही जवाब है सी उड़ीसा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जिनकी मैंने पिक्चर लगाई हुई है, इन्होंने इनकी अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट ने इस गीत को सरकारी मान्यता देने का प्रस्ताव अपनी मुहर लगा दी है। और आप देख सकते हैं मैंने हमेशा की तरह मैप में लगा दिया है, उड़ीसा का रेड में मार्क दिख रहा है आपको, रेड में। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर और गवर्नर है जो गणेशी लाल जी हैं। अगला सवाल है, विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिका के किस पहले पुरुष जिमनास्ट का हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन है कर्ट थॉमस, जेड कारे, विताली शेरबो और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है कर्ट थॉमस। इनको कर्ट थॉमस भी पढ़ सकते हैं, KURT। और विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिका के पहले पुरुष जिमनास्ट कर्ट थॉमस का अभी हाल ही में निधन हुआ है। उनकी उम्र थी 64 साल। 1968 के फ्रांस के स्टॉलबर्ग में खेली गई विश्व चैंपियनशिप में फ्लोर एक्सरसाइज में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, विश्व महासागर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 अप्रैल, 20 मार्च, 10 जनवरी और 8 जून। सही आंसर है 8 जून। विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशन डे 8 जून को मनाया जाता है और यह वर्ष 1992 से मनाया जा रहा है। इसका मनाने का कारण क्या है? प्रमुख कारण है महासागरों के महत्व और उनकी वजह से आने वाली चुनौतियों के बारे में विश्व में जागरूकता फैलाना। और इसके अलावा महासागर से जुड़े पहलुओं जैसे खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता, पारिस्थितिक संतुलन और समुद्री संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग और जलवायु परिवर्तन पर प्रकाश डालना इस दिवस को मनाने का प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटका के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? ऑप्शन है हुबली स्टेशन, मैसूर स्टेशन, बल्लारी स्टेशन और बेलगावी स्टेशन। सही आंसर है हुबली स्टेशन। कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। अभी हाल ही में इससे पहले कौन सा है हमारा जो है रेलवे स्टेशन? गोरखपुर है सबसे बड़ा दुनिया का और भारत का प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म। ठीक है, और इसका ये जो हुबली वाला जो है वो दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन में का मुख्यालय है। और इसमें हम देख सकते हैं, इसमें लिखा है हमने 550 मीटर से बढ़ाकर जो हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म की जो लंबाई अब हो जाएगी 1400 मीटर। गोरखपुर का जो वर्तमान प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई है 1366 मीटर। फ्रेंड्स, छठा सवाल है, फोर्ब्स की तरफ से जारी की गई सबसे ज़्यादा कमाने वाले सेलिब्रिटी की लिस्ट में किस भारतीय अभिनेता को 364 करोड़ रुपये कमाई के साथ 52वां स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है अजय देवगन, राज बब्बर, अक्षय कुमार और शत्रुघ्न सिन्हा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मगर फिर भी रखा गया है क्योंकि रिसेंट न्यूज़ है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। आंसर है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार सबसे ज़्यादा कमाने वाले फोर्ब्स की
सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में शामिल हुए हैं। यह एकमात्र भारतीय सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने जगह बनाई है, और हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ और जेनिफर लोपेज़ जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ा है इन्होंने। जून 2019 से मई 2020 के बीच अक्षय कुमार की कुल कमाई कितनी है? $48.5 million, यानी 365 करोड़ रुपये। और इनकी इस पोजीशन कितनी आई? 52 पोजीशन आई है, 52 रैंक आई है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। सातवां सवाल है, कन्नड़ फिल्मों के किस प्रसिद्ध अभिनेता का हृदय गति रुकने से बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में 39 साल की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन है चिरंजीवी सर्जा, अर्जुन सर्जा, शिव कुमार और प्रकाश राज। सही आंसर है चिरंजीवी सर्जा। ये एक कन्नड़ एक्टर है और इनकी जो 39 वर्ष की उम्र में मृत्यु हुई है। यह कन्नड़ के फेमस एक्टर हैं और इनके ये फिल्मी परिवार से आते हैं। इनके एक्टर एक बड़े भाई, एक ब्रदर भी हैं ध्रुव सर्जा, साउथ के एक्शन किंग कहे जाने वाले अर्जुन सर्जा के उनके चाचा हैं। इनके चाचा हैं अर्जुन सर्जा। और चिरंजीवी जी ने 2009 में कन्नड़ फिल्म वायुपुत्र से डेब्यू किया था। उन्होंने अभी तक 22 फिल्में की हैं। आठवां सवाल है, 2022 महिला एशिया कप की मेजबानी के अधिकार हाल ही में किस देश को मिला है? नेपाल, चीन, रूस, भारत। सही आंसर है भारत। एशिया AFC एशियन फुटबॉल परिसंघ ने 1979 के बाद पहली बार 2022 में महिला एशिया कप की मेजबानी के अधिकार भारत को दिए हैं। और इस जो टूर्नामेंट होगा इसमें भारत बतौर मेजबान सीधे ही क्वालिफाई कर लेगा। टूर्नामेंट 2023 के फीफा वर्ल्ड कप महिला वर्ल्ड कप के लिए अंतिम क्वालिफाई टूर्नामेंट के तौर पर भी काम करेगा। क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस युद्धग्रस्त देश में दी जाने वाली सहायता राशि में कटौती करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है यमन, सूडान, ईरान और इराक। देखते हैं सही आंसर। सही आंसर है यमन। यमन को नॉर्मली जो यूनाइटेड नेशन है वो सहायता राशि देता था, मगर अभी उन्होंने कटौती कर दी क्योंकि अभी कोरोना का जो प्रॉब्लम हो रहा है उसके कारण, और यमन में गृह युद्ध भी चल रहा है, जैसे दोनों समस्याएं उसे झेल रहा है यमन। और इस सहायता राशि की कटौती के कारण 75% काम बंद हो सकते हैं वहाँ पे, जो संयुक्त राष्ट्र जो काम चल रहे थे उसके। चलिए देखते हैं। और आप अभी इसमें नेक्स्ट आप ये भी देख सकते हैं, इसमें मैंने आपको लोकेशन हमेशा की तरह लगाया है, ये मैंने मैप लगा दिया है, आप देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल की बारी। फ्रेंड्स, आज का ये आखिरी सवाल है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत किस देश से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं? ऑप्शन है पाकिस्तान, नेपाल, चीन और बांग्लादेश। सही आंसर है चीन। चीन को जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसके लिए 2020-21 में कितना लागू हुआ है, कितना आवंटित किया है हमने पैसा? 784 करोड़। और अभी लास्ट ईयर इसका था 825 करोड़। कैपिटल है बीजिंग और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नए वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद।